कर्जों का बोझ है, टैक्स की कलेक्शन बहुत बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है, टैक्स की कलेक्शन इस वक्त बहुत बड़ा चैलेंज है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने FBR के अफसरों के एजाज में मुनक़दा तकरीर से खिताब करते हुए कहा कि ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनकी कारकर्दगी खराब है या जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट्स के मुताबिक स्याह और सफेद को अलग करेंगे। पाकिस्तान आज मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। वाजबात की वसूलियों का हदफ कम है, हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है, कर्जों की अदायगी का हुजम सब जानते हैं, हम सारे ममालिक हम से बहुत आगे हैं। वजीर आजम ने कहा कि खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा, इंसाफ का फैसला मेरिट की बुनियाद पर होता है, जजा और सजा के अमल से कौमें बनती हैं। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा, हमें पाकिस्तान की तकदीर बदलने का फैसला करना होगा। गलतियां हर जगह से होंगी लेकिन इन्हें ठीक करने की जरूरत है। खताकार शख्स हूँ लेकिन गवर्नेंस में हमेशा कोशिश की कि कौम की खिदमत करूँ।